Hey guys, I'm back with another quarantine recipe and that is chocolate chunk cookies. और ये eggless है, बहुत ही easy ingredients से बनते हैं. और इसकी खास बात ये है कि आप ये cookie dough को freezer में एक month तक store कर सकते हैं and you can bake cookies anytime you want. So let's get started. स्टार्ट विथ रूम टेम्परेचर बटर. यहाँ पर मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ. अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और फिर यहाँ पर जस्ट मैं 30 सेकेंड्स के लिए थोड़ा क्रीम कर रही हूँ बटर को. बटर सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन मेल्टिंग नहीं. और फिर हम डालेंगे अ मिक्सचर ऑफ ब्राउन एंड वाइट शुगर. ना ब्राउन शुगर गिव्स अ रियली नाइस फ्लेवर एंड टेक्स्चर टू द कुकी. बट अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो इट्स ओके, आप सिर्फ वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं. और फिर ऑप्शनल है वेनिला एसेंस, बट थोड़ा फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ. और फिर वापस से विस्क करेंगे. अब धीरे धीरे ये मिक्सचर कंबाइन होने लगेगा एक साथ, बटर और शुगर. ये प्रोसेस को कहते हैं क्रीमिंग. और फिर 2 से 3 मिनट बाद एक ऐसा लाइट फ्लफी मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा. अब विस्क का काम हो गया है, सो विस्क निकालेंगे एंड देन वी विल स्विच टू आर ड्राई इंग्रेडिएंट्स. यहाँ पर मेरे पास है मैदा, कॉर्नफ्लावर एंड बेकिंग सोडा. कॉर्नफ्लावर एक थोड़ा च्यूई टेक्सचर लाता है आपकी कुकी में. अगर आपको नहीं यूज़ करना है कॉर्नफ्लावर देन इट्स ओके. और फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमारे बटर मिक्सचर में डाल देंगे. बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ये सब और बहुत ही इजी मेथड से बनते हैं ये कुकीज़. एंड नाउ यूजिंग द स्पैचुला हमें सिर्फ फोल्ड करना है. हमें तब तक फोल्ड करना है जब तक सब फ्लावर मिक्स नहीं हो जाता बटर और शुगर में. अब मिक्सचर थोड़ा ड्राई है इसलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध. आपको एक साथ बहुत दूध नहीं डालना है, जस्ट थोड़ा थोड़ा. और फिर वापस से फोल्ड कर लेंगे सब. हमें यहाँ पर एक सेमी स्टिफ डो फॉर्म करना है कुकी का. बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं. अब ये स्टिल कंबाइन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने और थोड़ा सा दूध डाला है. एंड देन अ फाइनल स्टर. अब सब मिक्स करने के बाद आपको एक बेसिक कुकी डो मिलेगा. और फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट चंक्स. आप चॉको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. और फिर एक फाइनल स्टर. अब यहाँ पर आप आपके डो को 10 टू 20 मिनट्स रेफ्रिजरेटर में रखे बेक करने से पहले. अब बहुत जनों के पास चॉकलेट चंक्स नहीं होंगे इसलिए यहाँ पर मैं एक अलग वेरिएशन दिखा रही हूँ. यहाँ पर मैंने न्यूट्रेला को फ्रीज कर लिया था और फिर हम ये कुकीज़ को न्यूट्रेला से स्टफ करेंगे. अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुकी डो ले लिया है और एक छोटा सा बाउल जैसे फॉर्म कर रही हूँ ताकि जो हमारा न्यूट्रेला है, फ्रीज न्यूट्रेला, वो बीच में रख सके. और फिर हम इसे कवर कर लेंगे और कुकी डो से. न्यूट्रेला फ्रीज्ड है इसलिए बहुत इजी है इसे प्लेस करना. 3 से 4 घंटे में आराम से फ्रीज हो सकता है. जस्ट प्लेस इट ऑन अ गुड बेकिंग पेपर और ये बहुत इजीली फ्रीज हो जाएंगे. और फिर ऐसे कवर कर लिया है मैंने, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू स्कूप आउट आर कुकी डो ऑन अ बेकिंग ट्रे लाइंड विद पार्चमेंट पेपर. यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्कूप यूज कर रही हूँ. आप नॉर्मल बॉल्स भी बना सकते हैं छोटे छोटे लड्डू के फॉर्म में.
Just press the cookie dough nicely in the ice cream scoop. ये हमें इक्वल पोर्शंस देंगे इसलिए यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्कूप यूज़ कर रही हूँ। आप आपके कुकी डो को वे भी कर सकते हैं। अब जस्ट थोड़ा सा शेप कर रही हूँ जो भी लूज कुकी डो के पीसेस थे उन्हें। और फिर हम इसे बेक करेंगे फॉर अराउंड 12 मिनट्स इन अ प्री हीटेड ओवन एट 180 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको बहुत क्रंची कुकीज पसंद है तो आप इसे 15 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं, बट मुझे 12 मिनट्स पे इसे एग्जैक्ट टेक्सचर अच्छा लगता है। दे आर नाइस एंड क्रिस्पी ऑन द एजेस एंड अ बिट च्यूई एट द सेंटर। And your cookies are ready.